नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को github.com पर क्लोन कर सकते हो और फिर कैसे आप उसमें नए चेंजेस पुश कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिल्कुल स्क्रैच से आप github पे एक नई प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो और एक नई रिपोजिटरी फिर कैसे क्रिएट कर सकते हो और फिर उसे दूसरे लोगों से कैसे शेयर कर सकते हो। आइए दोस्तों ये सारी चीजें देखते हैं आज के वीडियो में। हेलो दोस्तों नमस्कार, आज आप सत श्री अकाल एंड वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों मेरे नाम है विकास रंजन, मेरे पास लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जहां मैंने दुनिया के कुछ बहुत ही बड़ी कंपनीज में काम किया है और दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर काम किया है। इसके अलावा मैं टेक्निकल एडुकेटर हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को अलग अलग टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया है और उनकी हेल्प की है एक अच्छे जॉब को पाने में। दोस्तों ये है मेरा सीरीज लर्न गिट फॉर बिगिनर्स। यहाँ पे मैं गिट बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में गिट की आर्किटेक्चर के बारे में सिखाया है, गिट में कमिट कैसे करते हैं ये बताया है, और गिट पे आप कैसे एक एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी को क्लोन करके उसमें अपनी चेंजेस पुश कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई। अगर आपने मेरे वीडियो के बाकी वीडियो अगर अगर आपने मेरे इस चैनल के बाकी वीडियोज नहीं देखे हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पे जो लिंक आ रही होगी दोस्तों उस लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों ये रहा github.com। github.com जैसा कि मैंने बताया हुआ है दोस्तों, गिटहब दुनिया का सबसे पॉपुलर गिट सर्विस प्रोवाइडर है। तो अगर आपको गिट को यूज़ करना है तो जो सबसे पॉपुलर है उनमें है गिटहब, बिटबकेट और गिटलैब, एंड आई गेस गिटहब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। गिटहब को ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट। और दोस्तों गिटहब पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके आप अपनी रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हो, अपने कोड को उस पर डिप्लॉय कर सकते हो, अपने कोड को उस पर स्टोर कर सकते हो दोस्तों, और इस पर ईजिली अपने टीम मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए गिटहब एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। दोस्तों github.com पे आने के बाद अगर आपके पास ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो, बट अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो कैसे साइन अप करना है ये पूरा प्रोसेस भी देखें। दोस्तों मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी सवाल पूछेगा मैं इसके आंसर करूँगा। दोस्तों ये पूछा मेरी ईमेल आईडी, तो मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ दोस्तों, मैंने ईमेल आईडी दे दी अपनी। पासवर्ड दे रहा हूँ मैं दोस्तों कुछ। अब दोस्तों मुझे एक यूजर नेम देना है, दोस्तों तुम्हें यूजर नेम देता हूँ कोडिंग टॉकी दोस्तों का। वुड यू लाइक टू रिसीव अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट विद ईमेल, मैं इसमें नो कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये अकाउंट तो क्रिएट हो गया है। अब ये कह रहा है कि वेरीफाई योर अकाउंट, ये मैं तो बेसिकली मुझे कुछ पजल सॉल्व करना होगा दोस्तों, ताकि गिटहब इज श्योर कि आई एम अ ह्यूमन एंड कोई रोबोट इसको क्रिएट नहीं कर रहा है। स्टार्ट पजल, कुछ बेसिक पजल है दोस्तों, इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये डन हो गया दोस्तों एंड क्रिएट अकाउंट। दोस्तों इस तरह मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब ये कह रहा है कि इसने मेरे ईमेल पे एक कोड भेजा है दोस्तों, तो मैं उस कोड को बता दूंगा तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने वो कोड भी इंटर कर दिया, तो ये कोड मेरी ईमेल पे आया था दोस्तों, और देखिए ये मेरा कोड मैंने सही डाल दिया तो अकाउंट क्रिएट हो गया है। हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग फॉर इट, मैं 5 to 10 लिख देता हूँ, एंड किस किस फीचर्स के लिए मैं इसको यूज करूंगा दोस्तों, तो मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी ठीक है, अगर आप दे रहे हो तो ये अच्छी बात है दोस्तों। गिटहब अपने सर्वे के लिए ये सारी चीज़ें एक्चुअली यूज़ करता है, ताकि गिटहब ये समझ पाए कि उसके यूजर्स एग्जैक्टली कौन है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने फीचर्स बना सके, अपने फीचर्स चेंज कर सके। ये पूछ रहा है कि मुझे पेड अकाउंट चाहिए या एडिशनल बेनिफिट चाहिए। मैं पेड अकाउंट नहीं, मैं फ्री अकाउंट ही लेता हूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी अमेजिंग एनिमेशन है इनका, एंड आई गेस आई एम अबाउट टू लॉग इन। तो दोस्तों ये मैं लॉग इन कर चुका हूँ और अब ये मेरा गिटहब का प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है अगर आप देखें तो। दोस्तों अब मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो गया, मुझे सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, जो मुझे सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए वो है कि मुझे अपनी एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। दोस्तों मैं क्रिएट रिपॉजिटरी पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों ये पूछ रहा है कि रिपॉजिटरी का नाम क्या है। ठीक है, तो रिपॉजिटरी का नाम मैं देता हूँ गिट डेमो। ये रिपॉजिटरी पब्लिक है या प्राइवेट है दोस्तों,
अभी फिलहाल मैं इसको पब्लिक रखता हूँ ताकि अगर आप लोग चाहो तो आप भी इस URL को हिट करके मेरे रिपोजिटरी देख सको। दोस्तों ये पूछ रहा है कि क्या मुझे बाय डिफॉल्ट एक रीडमी फाइल क्रिएट करनी है। दोस्तों रीडमी फाइल बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे रिपोजिटरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये रिपोजिटरी किस किस लिए है, क्या काम करता है रिपोजिटरी, इसको सेटअप कैसे करना है, इस कोड को, इस प्रोजेक्ट को, और इस कोड में इसका पर्पस क्या है, इसकी वर्जनिंग, ऐसी कुछ भी डिटेल्स दोस्तों अगर मैं बाकी टीम मेंबर्स को दिखाना चाहता हूँ तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं रीडमी फाइल के अंदर रख सकता हूँ। दोस्तों रीडमी फाइल को हम अलाउ कर देते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि गिट इग्नोर फाइल अलाउ करना है या नहीं। तो दोस्तों गिट इग्नोर फाइल भी हम अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों गिट इग्नोर क्या होता है कि कई बार हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, एक्चुअली वो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। और कई बार कंप्यूटर में कुछ हिडन फाइल्स भी होती हैं दोस्तों, वो भी गलती से कमिट हो जाती है। तो इसके वजह से दोस्तों वो हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे गिटहब रिपोजिटरी में ना दिखे, उनके चेंजेस की वजह से हमारे गिट में कोई हिस्ट्री मेंटेन ना हो दोस्तों, उनको इग्नोर करे गिटहब। तो इसके लिए हम गिट इग्नोर फाइल एक रखते हैं और जिस फाइल को भी इग्नोर करना है उस फाइल की पाथ गिट इग्नोर फाइल में डाल देते हैं। तो अगर हम गिट इग्नोर सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये गिट इग्नोर का टेम्पलेट भी देना पड़ेगा। दोस्तों ये टेम्पलेट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरली आप जो जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोड कर रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप गिट इग्नोर फाइल की एक टेम्पलेट भी बना सकते हो। दोस्तों फिलहाल हम गिट इग्नोर को रहने देते हैं और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करके रिपोजिटरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्रिएट रिपोजिटरी किया और अब आप देखिए तो ये मेरी रिपोजिटरी तैयार हो गई है। दोस्तों इसमें सिर्फ एक फाइल है readme.md क्योंकि हमने ये चूज़ किया था और ये बाय डिफॉल्ट अब readme.md भी क्रिएट हो गई है। और readme.md अगर आप फाइल देखेंगे दोस्तों तो इसमें यही गिट डेमो लिखा होगा, जो गिट डेमो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है वो बस इसमें लिखा हुआ है। दोस्तों अब हमारी ये रिपोजिटरी तैयार हो गई है। अब रिपोजिटरी मेरी github.com पे है। मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे सबसे पहले इस रिपोजिटरी को अपने लोकल में क्लोन करना चाहिए और अब मुझे इसमें कुछ फाइल्स कमिट करने चाहिए। तो दोस्तों वो मैं कैसे करूँगा वो देखते हैं। दोस्तों अपने लैपटॉप के लोकल मेमोरी में मैंने डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर एक कोडिंग टॉकीज गिट नाम के फोल्डर बना लिए और अब दोस्तों इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे इस रेपो का क्लोन करूँ। दोस्तों रेपो को क्लोन करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि हमें ज़रूरी है कि हम गिट में अपनी ईमेल आईडी और अपनी यूज़र नेम को कन्फिगर कर ले। कई बार हो सकता है दोस्तों कि एक ही इंसान मल्टीपल गिट अकाउंट्स ओन करता है, जैसे मैं खुद का कई गिट अकाउंट्स ओन करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों कई बार होता है कि मैं गलती से दूसरी गिट अकाउंट से किसी और गिट अकाउंट में कमिट कर देता हूँ तो वहाँ पे जो कमिट हिस्ट्री है दोस्तों वो सही नहीं आती है, वो मेरी दूसरी गिट अकाउंट की दिखती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि हम ऐसा ना करें। जब भी हम कोई गिटहब अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो हम किट के कॉन्फ़िगरेशन में अपनी करंट ईमेल आईडी और करंट यूज़र नेम को सेट कर दे दोस्तों। दोस्तों उसके लिए हमें ज़रूरी है एक कमांड। दोस्तों मैं टर्मिनल में आता हूँ। टर्मिनल में आने के बाद दोस्तों मैं टाइप करता हूँ गिट और देखिए दोस्तों गिट ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। दोस्तों जो कमांड है उसमें मैं लिखूँगा गिट कॉन्फिग और दोस्तों मुझे दो चीज़ सेट करनी है, अपना यूज़र नेम और अपना यूज़र ईमेल। तो मैं लिखूँगा user.name और इसके बाद दोस्तों मैं अपना यूज़र नेम दूंगा। अगर अभी मैं अपना करंट यूज़र नेम चेक करूँ तो देखिए दोस्तों इसमें आ रहा है vikasr27, बट क्योंकि ये मेरा दूसरा गिटहब यूज़र नेम है, मैं अभी फ़िलहाल ये गिटहब यूज़र नेम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो नई गिटहब यूज़र नेम क्रिएट किया दोस्तों उसका नाम है कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों मुझे ये गिटहब यूज़र नेम देना चाहिए। दोस्तों अगर मैं सिर्फ गिट कॉन्फिग ग्लोबल user.name लिखूंगा तो जो करंट वैल्यू ऑलरेडी जो वैल्यू सेट है वो मुझे दिखा देगा, और अगर मैं नई वैल्यू दूंगा जैसे मैं देता हूँ कोडिंग टॉकीज विद विकास, तो दोस्तों ये मुझे अब ये मेरी वैल्यू अपडेट हो गई होगी। मैं दोबारा आपको दिखाऊँ तो देखिए अभी मेरी अपडेटेड वैल्यू आ रही है। तो मेरे लिए दोस्तों तो दूसरी चीज़ मुझे करनी है वो मुझे करनी है user.email और इसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी लिखूंगा। तो मैंने ईमेल आईडी भी लिख दी है। आप देखिएगा तो मेरी जो करंट ईमेल आईडी थी वो भी अपडेट हो गई है और जो दोस्तों मेरा यूज़र नेम था वो भी अपडेट हो गया। दोस्तों जब मेरा यूज़र नेम और ईमेल आईडी दोनों अपडेट हो गया है तो अब मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको इस रिपोजिटरी की क्लोन लेने का। दोस्तों क्लोन लेने के लिए अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी उस फोल्डर पे जाऊँगा जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया है क्योंकि मुझे उसके अंदर लेना है इसका क्लोन। तो मैं दोस्तों डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जाऊँगा, यहाँ दोस्तों CD कोडिंग टॉकीज गिट फोल्डर मुझे मिल गया। दोस्तों अभी मैं देखूँ तो ये फोल्डर मुझे बिल्कुल खाली है दोस्तों, इसके अंदर कुछ नहीं।
अब मैं करूंगा दोस्तों गिट क्लोन, और इस रिपोजिटरी का जो पाथ है वो मुझे डालना है। ये पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों कोड पे क्लिक करके, और अब मैं इसकी पाथ डाल रहा हूँ गिट क्लोन रिपाथ। देखिए दोस्तों ये क्लोन हो गया है। अब अगर मैं फिर यहाँ पे आऊँ दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है गिट डेमो नाम की, और गिट डेमो के अंदर भी सिर्फ एक ही फाइल है readme.md। दोस्तों गिट क्लोन हमने ले लिया, हमने एक नई रिपोजिटरी क्रिएट के लिए गिट क्लोन ले लिया। अब दोस्तों मैं इसमें कुछ नई फाइल्स ऐड करके यहाँ पे चेंजेस कमिट कर सकता हूँ। दोस्तों फाइल्स ऐड करने के लिए हो या तो नई क्रिएट करूँ या मैं कुछ एग्जिस्टिंग फाइल्स यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो हमारी लास्ट टाइम हमने जो फाइल्स क्रिएट की थी, मैं वही फोल्डर, एक फोल्डर मैंने कॉपी की। इस फोल्डर में देखिएगा तीन फाइल्स हैं, मैंने ये फोल्डर कॉपी की और मैं इस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक नई फोल्डर क्रिएट कर दी और उसके अंदर कुछ नई फाइल्स क्रिएट कर दी। दोस्तों मैं अगर आपको गिट स्टेटस दिखाऊं, माफ कीजिएगा, पहले हमें जाना होगा गिट डेमो फोल्डर के अंदर। अब मैं आपको गिट स्टेटस दिखाऊं दोस्तों, तो ये इमेजेस नाम की फोल्डर ऐड हो चुकी है। दोस्तों जैसे ये डीए स्टोर है दोस्तों, ये डीए स्टोर एक हिडन फाइल अपने आप ऐड हो जा रही है दोस्तों, तो इसको मैं गिट इग्नोर के अंदर डाल सकता हूँ। ये गिट इग्नोर के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ हमारी इमेजेस फोल्डर को ऐड करूंगा, गिट ऐड एंड इमेजेस फोल्डर। दोस्तों आप फिर से गिट स्टेटस देखें तो इमेजेस फोल्डर के अंदर के जो तीन फाइल्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। दोस्तों अगर मैं इस डीए स्टोर को हटाना चाहूँ तो मैं इसको हटा सकता हूँ, गिट चेकआउट से ये हट जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अब बेसिकली ये इमेजेस फोल्डर हमारा ऐड हो चुका है। अब दोस्तों मैं कमिट कर सकता हूँ गिट कमिट -m माई न्यू कमिट टू न्यू रिपोजिटरी। दोस्तों मैं करता हूँ गिट पुश। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने गिट पुश किया ये फेल हो गया, ये फेल हो गया और ये कह रहा है अनएबल टू एक्सेस दिस रिपोजिटरी एंड दोस्तों इट सेज परमिशन डिनाइड एरर 403। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गिटहब में रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अब किसी भी रेपो में मुझे अगर कुछ भी पुश करना है दोस्तों, तो पुश करने के लिए मेरे पास परमिशन होना चाहिए। और दोस्तों ये परमिशन कैसे आएगी, इसके लिए क्या करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ये आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए। दोस्तों सेटिंग्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डेवलपर सेटिंग्स का। दोस्तों डेवलपर सेटिंग्स में ये जो है पर्सनल एक्सेस टोकन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तीन चीजें यहाँ पे गिटहब एप्स, दोस्तों कोई ऐसी अगर आप ऐप बनाना चाह रहे हो जिसको आप डायरेक्टली गिटहब से इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो इसके थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद है ओऑथ एप्लीकेशन। दोस्तों ओऑथ एप्लीकेशन बेसिकली वो एप्लीकेशन होती है, अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए गिटहब की एपीआई को यूज़ करना है दोस्तों, तो हमें ओऑथ एप्स क्रिएट करनी पड़ेंगी दोस्तों, और ओऑथ ऐप पे अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना होगा। एंड अब आते हैं दोस्तों पर्सनल एक्सेस टोकन। दोस्तों बेसिकली हमें जो करना है वो करना है अपनी इस प्रोफाइल के लिए एक गिटहब की पर्सनल एक्सेस टोकन क्रिएट करनी है। दोस्तों मैं जनरेट अ पर्सनल एक्सेस टोकन पे क्लिक करता हूँ। अब ये पूछ रहा है मुझसे कि इस टोकन, ये टोकन क्यों है, इसका क्या पर्पस है, इसके बारे में मैं कुछ नाम दे सकता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको देता हूँ कुछ भी नाम, माई पर्सनल टोकन। एंड दोस्तों मैंने इसे एक्सपायरेशन डेट दे दी है अभी 3 महीने की, आप चाहो तो एक एक हफ्ते, 60 दिन दोस्तों अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। दोस्तों एक्सपायरेशन डेट एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरेशन डेट हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों बहुत कम अगर देंगे तो हमें अक्सर इसको चेंज करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अगर हम देंगे दोस्तों तो अगर किसी वजह से भी हमारा अगर एक्सेस टोकन अगर किसी ने शेयर कर लिया दोस्तों, तो वो हमारे गिटहब रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैंने 3 महीने की दे दी दोस्तों, और फिर ये पूछता है कि क्या क्या परमिशन है इस एक्सेस टोकन को। तो फिलहाल मैं दोस्तों इसको इस रिपोजिटरी के सारे परमिशन दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने फिलहाल इसको सारे ही मेजर परमिशन दे दिए, और फिर मैं क्लिक करता हूँ जेनरेट टोकन पे। दोस्तों जैसे जेनरेट टोकन पर हम क्लिक करते हैं, ये कुछ टोकन क्रिएट कर देता है, मैं आपको दिखाऊं अगर। तो देखिए दोस्तों ये टोकन क्रिएट कर रहा है। दोस्तों सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से मैंने ये टोकन आपसे हाइड कर लिया है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल टोकन है। बट इस टोकन को मैं कॉपी करता हूँ दोस्तों,
तो इसको इस टोकन को आप जरूर कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आपको काफी ज्यादा काम आएगा। देखिए देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने रिपोजिटरी पे वापस। अब दोस्तों अगर मुझे यहाँ पे पुश करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पे देखें गिट रिमोट माइनस वी करके, तो दोस्तों ये हमें बताता है कि हमारे अभी गिट में ओरिजिन क्या सेट है। दोस्तों ओरिजिन मतलब जो ओरिजिनल पाथ है जहाँ से मैंने इस रिपोजिटरी को पोक किया है दोस्तों, जहाँ से मैंने इस रिपोजिटरी को क्लोन लिया है बेसिकली। दोस्तों अब अगर मैं इसी रेपो पे चेंजेस पुश करना चाहता हूँ तो मुझे अपने पर्सनल एक्सेस टोकन के जरिए यहाँ पे चेंजेस करने होंगे दोस्तों, और इस रिमोट रेपो को कॉल करना पड़ेगा। दोस्तों तो उसके लिए जो फॉर्मूला होती है उसके लिए बेसिक फॉर्मूला ये है, गिट रिमोट सेट यू आर एल। तो दोस्तों मैं यही लिख कर आपको दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा गिट रिमोट सेट यू आर एल ऑरिजिन। इसके बाद दोस्तों मैं लिखूंगा HTTPS, और दोस्तों इसके बाद मुझे देना है मेरा पर्सनल एक्सेस टोकन। दोस्तों इसलिए मैं ये कोड आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको देना है अपना पर्सनल एक्सेस टोकन। उसके बाद लिखना है @github.com। उसके बाद दोस्तों आपको देना है अपना यूजर नेम। दोस्तों यूजर नेम आप यहाँ से देख सकते हैं, यूजर नेम है कोडिंग टॉकीज विद विकास। और दोस्तों उसके बाद कोडिंग टॉकीज विकास, और उसके बाद दोस्तों आपके रिपोजिटरी का नेम जो है यानी कि गिट डेमो। तो दोस्तों @github.com के बाद कोडिंग टॉकीज विद विकास /git/demo.git। दोस्तों ये है, अब मैं यहाँ पे बस जाके अपनी पर्सनल एक्सेस टोकन डालूंगा और एंटर करूंगा। दोस्तों एंटर करने के बाद ये काम हो गया है। अब मैं दोबारा से अगर गिट पुश करूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मेरी इमेजेस फोल्डर आ चुकी है, और इमेजेस फोल्डर के अंदर ये सारे पेजेस भी आ चुके हैं दोस्तों जो अभी हमने कमिट किया था। दोस्तों ये वो तरीका है जिसके जरिए आप दोस्तों ये वो तरीका है जिसके जरिए आप अपनी नई प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं गिटहब पे, अपनी नई रिपॉजिटरी फिर क्रिएट कर सकते हैं, और उसका क्लोन लेके अपने लोकल पे उसमें चेंजेस पुश कर सकते हो। दोस्तों अगले किसी वीडियो में आपको बताऊं कि गिट इग्नोर क्या होता है, और दोस्तों फिर गिटहब में और क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, इसमें कैसे हम अपनी हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हैं, वर्जन को ट्रैक करते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हो इससे, गिट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज पता चली हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी गिट के बारे में पता चल सके। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी ओपिनियन है गिटहब के ऊपर, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड दोस्तों मेरे इस गिट सीरीज के बाकी वीडियोस को बिल्कुल मिस आउट मत करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो रिलीज करूँ आपसे वो वीडियो मिस ना हो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों इसके अलावा मेरे चैनल में कई और वीडियोस क्रिएट किए हैं, HTML की पूरी सीरीज है, CSS की पूरी सीरीज है, बूटस्ट्रैप की पूरी सीरीज है। इसके अलावा मैंने वेब फंडामेंटल्स और कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे भी काफी बातें की हैं, और हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर उसके भी मैंने कुछ वीडियोज तैयार किए हैं। दोस्तों उन वीडियोज को भी जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इस वीडियो को मैंने क्रिएट किया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। दोस्तों न्यूटन स्कूल एक कमाल का एडटेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनने की एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। दोस्तों ये ट्रेनिंग यूजुअली 6 मंथ्स का होता है और काफी रिग्रेस ट्रेनिंग होती है दोस्तों। लाइव क्लासेस होते हैं रोज, आपको मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक इंटरव्यूज मिलते हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर्स और मेंटर्स होते हैं दोस्तों वो खुद टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं। दोस्तों कोर्स काफी अच्छा होता है दोस्तों, मैं खुद भी न्यूटन स्कूल में एज एन इंस्ट्रक्टर काम किया है मैंने बहुत टाइम तक। एंड दोस्तों सबसे कमाल की बात जो है इस कोर्स की, कि ये कोर्स कम्प्लीटली पे आफ्टर प्लेसमेंट होता है, यानी कि दोस्तों आपको कोर्स की स्टार्टिंग में कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द कोर्स दोस्तों न्यूटन स्कूल ही आपको रेकमेंड करता है इन डिफरेंट कंपनी जो कि उनके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। एंड दोस्तों जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है विद एन एनुअल CTC ऑफ मिनिमम 5 लाख पर एनम, तभी आपको कोई भी फीस पे करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों। इस कोविड के टाइम पर अपना, अपने फैमिली का और अपने चाहने वालों का अच्छे तरीके से ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर। Bye-bye.